हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट और रियल जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेक 01/2019 का फाइनली रिजल्ट फ्रेंड आने वाला है कुछ ही दिनों में, जिसका आपको पता है कितनी तारीख को आएगा, 31 अक्टूबर को जारी होने वाला है। 31 अक्टूबर को आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। मई में जिसका एग्जाम हुआ था अप्रैल मई में, अक्टूबर को उनका रिजल्ट जारी होने वाला है। तो फ्रेंड इस वीडियो में चर्चा करेंगे कट ऑफ क्या रहेगा और इसका एनालाइज किया है मैंने फुल, तो कमेंट किया तभी मैंने वीडियो बनाया है, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाता इसका। तब रिजल्ट क्लियर होता तभी वीडियो बनाता, रिजल्ट क्लियर होगा तब अच्छी तरह से वीडियो दे दिया जाएगा, लेकिन एनालाइज कर देता हूँ। काफ़ी परेशान है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड। देखिएगा इसमें कट ऑफ कितना रहा था आपको पता ही है, उसमें मिनिमम मार्क्स पास करने के लिए आपके लिए रखा था, एक्स ग्रुप के लिए रखा था 38 नंबर रखा था, उसमें से 70 नंबर में से आपके पास यदि 38 नंबर है तो आपको एक्स ग्रुप के लिए फेज टू के लिए इनवाइट किया गया था। तो फ्रेंड फेज टू के लिए जो क्लियर कर चुके हैं तो मैं बता दूं, एक्स ग्रुप में 38 नंबर है, थोड़े कम लग रहे हैं, इससे मानकर चलिए आप 39 और 40 के आसपास हैं फ्रेंड, 40 के आसपास मतलब फ्रेंड यदि आपका स्कोर 40 है तो आपके कोई दिक्कत नहीं है। 40 प्लस वालों के लिए तो बिल्कुल ही कोई टेंशन नहीं लेना है, 40 प्लस वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 40 प्लस वालों का एक्स ग्रुप में 100% सिलेक्शन है फ्रेंड, 100% सिलेक्शन होगा उनका, कोई दिक्कत नहीं हो सकता उनके लिए। और वाई ग्रुप की बात करूँ, वाई ग्रुप के लिए फ्रेंड 36 मार्क्स रखे गए थे 50 में से, तो ये नंबर भी काफ़ी हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के वाई ग्रुप में मान के चलिए आप 38 या 9 नंबर है, उनका श्योर सिलेक्शन है, उनको कोई रोक टोक नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। और 30 बात करें कि ये कट ऑफ वाले का होगा नहीं होगा, तो फ्रेंड वो तो उनको जितने वैकेंसीज में कितने लेने हैं स्टूडेंट्स उनके हिसाब से होगा। एक्स ग्रुप की बात करें तो फ्रेंड लगभग ओनली एक्स ग्रुप वाला है वो उसमें पास हो जाएगा फ्रेंड, 39 नंबर से 38 वाला भी हो सकता है, 39 नंबर वाला पास हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी उसके। और फिर वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप में 37 वाला भी पास हो जाएगा अच्छी तरह से, ये अभी तक मुझे अनुमान है क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं है। और जो बोथ में हुए हैं ना फ्रेंड, एक्स एंड वाई में दोनों में बोथ में हुए हैं, उनके लिए थोड़ा क्या है नंबर काफ़ी ज़्यादा चाहिएगा। नंबर की बात करें तो उनके लिए उनका कुल रेशियो निकालें तो फ्रेंड 40 प्लस होना चाहिए दोनों मिलाकर, एक्स वाई बोथ का दिया 40 प्लस का हुआ है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, 40 प्लस ही होने चाहिए, 40 प्लस से तो मिनिमम नीचे मार्क्स होंगे तो उनका सिलेक्शन नए के बराबर है मुझे तो अभी। और आपका कट ऑफ आएगा उसके हिसाब से जो सिलेक्शन होगा उनका फ्रेंड सभी का मैं तो ये जाता हूँ, कोई भाई क्वालिफिक है वो नए रहे, लेकिन जो कट ऑफ आएगा वो तो भाई एयरफोर्स जारी करेगा, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन एनालाइज करने के लिए बोला तो मैंने ये एनालाइज कर दिया फ्रेंड। आपको घबराने की कोई बात नहीं है और 31 अक्टूबर को आपका फाइनली रिजल्ट है वो क्लियर हो जाएगा, 31 अक्टूबर को आपका फाइनली रिजल्ट है वो फ्रेंड क्लियर हो जाएगा, 31 अक्टूबर को फाइनली रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। एयरफोर्स एक्स एंड वाई बोथ दोनों का एग्जाम दिया है जिन्होंने इंटेक 01/2019 का। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही कीजिएगा फ्रेंड, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़ जाने के लिए वीडियो के नीचे दिख रहे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा देना फ्रेंड। फ्रेंड आशा करता हूँ आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और आप जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाएंगे इंडियन एयरफोर्स में। आपका शुभ दिन।